नमस्कार, मैं हूं दानिश और आप शुरू कर चुके हैं हमेशा की तरह डी भारत न्यूज़ चैनल। जी हां, आज हम बात करेंगे कोरोना की। जैसा कि अभी सरकार ने, दिल्ली सरकार ने ये फैसला लिया है कि कोरोना बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है देश में, इसीलिए इतनी सख्ती कर दी है कि अब जगह जगह पे चालान कटने लगे हैं 500 रुपये के, जो पिछली बार कट रहे थे 500 के, अब फिर कटने लगे हैं। अब ये समझो भाई साहब, अब बिहार में चुनाव हो रहे थे तब कोई कोरोना नहीं था, जबरदस्त इतनी मीटिंगें हो रही थी, बिना मास्क के मीटिंगें हो रही थी, उत्साह मनाया जा रहा था, तब कोई कोरोना नहीं था। मतलब ये समझें कि बिहार में इलेक्शन आ जाए या कहीं देश में प्रदेशों में इलेक्शन आ जाए तो उसमें कोरोना आ जाता है। अब जब इलेक्शन चला जाए तो कोरोना चला जाता है। पब्लिक को सी समझो क्या? ये पब्लिक सी नहीं है। अब वहाँ चला गया, वहाँ बिना, हमने देखा, अब हम कुछ दिखाएंगे अभी स्क्रीन पे आपको कि इतनी हजारों संख्या में जो है लोग इधर उधर टहल रहे हैं, कोई इतनी बड़ी बड़ी रैलियां हो रही हैं, मोदी जी भी कर रहे हैं और कई नेता कर रहे हैं, कोई कुछ नहीं, ना कोरोना ना कहीं कोरोना। चला गया, चुनाव आता है कोरोना चला जाता है, चुनाव चला जाता है कोरोना चला जाता है, चुनाव आ जाता है तो कोरोना आ जाता है। अब 500 रुपये रिचार्ज काट रहे हो 500 रुपये का, ये क्या है? पब्लिक को सी मत समझो। इसलिए मेरी हाथ जोड़ से अपने दर्शकों से और देशवासियों से गुजारिश है कि सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखें, इन लोगों के बहकावे में ना आएँ, अपने ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें। जय हिंद, मिलते हैं अगले एपिसोड में।